एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्टाइलिश ब्लेजर का रिव्यू। काफी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ स्टाइलिश ब्लेजर के रिव्यू कीजिए जिन्हें हम इन दिस विंटर वियर कर सके। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ब्लेजर जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। गाइस, आप इन्हें विंटर्स के साथ साथ समर में भी कैरी कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और यूनिक लुक मिलने वाला है। और इन ब्लेजर का प्लस पॉइंट ये है कि आप इन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पे तो वियर कर ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ अगर आप इन्हें एथनिक ड्रेसेस पे भी वियर करेंगे तो काफी अच्छा लुक मिलने वाला है और बहुत ही स्टाइलिश ब्लेजर है ये। आप जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है, ऑफिस गोइंग लेडीज है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं ब्लेजर। और गाइस, जितने भी ब्लेजर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ फ्लावर प्रिंट में है, कुछ प्लेन है, सभी तरह के ब्लेजर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो ट्राई ऑन हॉल भी होने वाला है, सभी को मैं आपको ट्राई करके भी बताऊंगी। तो गाइस, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और पास में है बेल आइकन उसे जरूर टर्न कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो फर्स्ट ब्लेजर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ब्रांड सस्फ्रास से। और सस्फ्रास के जो कपड़े आते हैं, जो टॉप्स आती है, कुर्तीज आती है, इवन वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये आपको मिलेगा ऐसे बेबी पिंक कलर में, पूरा ये प्रिंटेड आपको फ्लावर प्रिंट में ब्लेजर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस ब्लेजर की है, डबल कोटेड आपको एक ब्लेजर मिलेगा। अंदर इसमें अंदर की साइड इनर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इसमें आपको बटन देखने को मिल जाएगा। तो ये लुक बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आप इसे साड़ी पे वियर करते हैं, वेस्टर्न वियर पे भी वियर करते हैं, तो काफी अच्छा लुक मिलने वाला है इस ब्लेजर से। तो ये बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा ब्लेजर लगा मुझे। प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी सभी की। और ये मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, तो ये बहुत ही अच्छा ब्लेजर है। और अगर मटेरियल की बात करते हैं तो ये कुछ शाइनी सा मटेरियल है, लाइक कॉटन सिल्क का आपको ये मटेरियल मिलेगा। तो अगर आप इन्हें विंटर में वियर करते हैं तो ये गर्म तो इवन रहने वाला है, बिकॉज इसमें जो है 3-3 लेयर है, तो ये गर्म तो रहेगा। और अगर आप इन्हें समर्स में ही वियर करते हैं तो काफी अच्छा फ्रेश लुक मिलने वाला है, क्योंकि इसका कलर ही इतना प्यारा है, पूरा फ्लावर प्रिंट में आपको ये ब्लेजर मिलेगा। तो गाइस, जो नेक्स्ट ब्लेजर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रांड पन्नख से, और ये भी मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। इसमें मेरा साइज है एम साइज है, जितने भी ब्लेजर मैंने परचेज किए हैं सभी में मेरे मीडियम साइज है। एंड गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्लेजर है, इस तरह का आपको ये ब्लेजर मिलेगा, पूरा ग्रीन कलर का ब्लेजर है, पूरे पे आउल प्रिंट किया हुआ है, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ब्लेजर लगा मुझे ये। अगर हम इसके इनर की बात करते हैं, इसमें आपको पूरा ब्लैक कलर का इस तरीके से इनर देखने को मिल जाएगा, और पूरा थिक ब्लेजर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला सा ब्लेजर है, बहुत ही अच्छा ब्लेजर है। कपड़ा बहुत अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, पॉली कॉटन है इसका मटेरियल, और डबल कोटेड है। यहाँ पे आपको इस तरीके के इसमें आपको डबल कोट देखने को मिल जाएगा, तो ये गर्माहट तो पक्का देने वाला है। जितने भी ब्लेजर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये समर्स और विंटर्स दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही स्टाइलिश ब्लेजर है। इस तरीके की आपको इसमें फुल स्लीव्स मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा यूनिक लुक देने वाला है ये वाला ब्लेजर भी, बहुत क्यूट लगा मुझे। अगर आप वियर करते हैं तो एथनिक वियर के, एथनिक ड्रेसेस के ऊपर या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स है तो काफी अच्छे ब्लेजर्स है और ये मस्ट बाय ब्लेजर्स है। तो गाइस, जो थर्ड ब्लेजर मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये आपको कुछ इस तरीके का ये ब्लेजर मिलेगा। ये वाला मैं बिल्कुल प्लेन ब्लेजर आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। ये भी है ब्रांड सस्फ्रास से, तो बहुत ही अच्छा ब्लेजर है, एम साइज इसमें है मेरा, और बहुत ही प्यारा लगा मुझे। कलर बहुत ही अच्छा है, मस्टर्ड कलर में आपको ये ब्लेजर मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी मटेरियल की बात करती हूँ तो ये आपको प्योर कॉटन में मिलेगा, इसमें अंदर किसी भी तरह का इनर नहीं दिया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख लीजिए, इस तरह का आपको इसमें अंदर कोई भी इनर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इन्हें वियर करेंगे तो काफी गर्म रहेगा, ये कॉटन मटेरियल है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये ब्लेजर भी। अगर लोगों के लिए है जिन्हें फ्लावर प्रिंट या फिर कार्टून प्रिंट में ब्लेजर नहीं वियर करने हैं, लाइक प्लेन ब्लेजर लेने हैं, उनके लिए मैं ये ब्लेजर लेके आई हूँ, और ये बहुत ही अच्छा क्यूट सा ब्लेजर लगा मुझे ये। तो गाइस, जो नेक्स्ट ब्लेजर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मैंने परचेज किया है मिंत्रा से, और ये है ब्रांड जीमालाटो से। तो बहुत ही अच्छा ब्लेजर है मुझे लगा, प्लस इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये आपको रेड और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। और इसमें जैसे मिंत्रा पे दे रखा है कि ये पॉलिस्टर जो है इसका मटेरियल है, लेकिन इसका पॉलिस्टर मटेरियल नहीं है। मटेरियल की हम बात करते हैं तो काफी थिक सा मटेरियल है, जिस तरीके के गर्म मटेरियल होते हैं काफी थिक और बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है। अंदर इसमें आपको इस तरीके का बिल्कुल इनर नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके का व्हाइट प्लेन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही गर्म जो है ये ब्लेजर है, विंटर्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है ब्लेजर। और इस तरीके का आपको इसमें नेक मिलेगी ऊपर से डिजाइन, और बहुत ही प्यारा सा मुझे ये ब्लेजर लग रहा है। सबसे अच्छा है इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अगर आप इसे वियर करते तो काफी कोजी सा आपको लगेगा। तो मटेरियल वाइज मुझे ये ब्लेजर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है इसका ब्लेजर का कलर प्रिंट। अगर आप विंटर्स में समर्स में कैरी करेंगे तो काफी अच्छा लुक मिलने वाला है इससे आपको,
और रियली बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर प्रिंट ब्लेजर है। और गाइस इसमें भी मेरा साइज है एम, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी में मेरा साइज एम है। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जितने ब्लेजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो ड्राई क्लीन के ब्लेजर हैं, आप उन्हें ड्राई क्लीन करा सकते हैं, काफी अच्छे ब्लेजर रहने वाले हैं इस विंटर और समर्स में आपके लिए, तो मस्ट बाय हैं। आप बाय करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। गाइज आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में है बेल आइकन उसे जरूर टर्न कर देना जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और आपके साथ शेयर करूं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा ब्लेजर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरीके की आपको वीडियो देखना पसंद है और किस तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपके साथ जरूर वो वीडियो शेयर करना चाहूंगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।